सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं एक और पुराना न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं फेक पिक्सल स्कैब लोग। आपको बताइए, पूरा है पिक्सल है, बस ये फेक है। तो यस, फेक तो फेक ही होता है, तो बस फेक ही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अपने 400 तो हो गए, तो अब जल्द से जल्द 500 पे भी पहुँचना है, तो दबा दो सब्सक्राइब। यार क्या कर रहे हो, देखो लाइक नहीं करते यार। इस चीज़ की मेरे को ना आपसे दिक्कत है, मतलब शिकायत है यार। क्या मतलब यार, लाइक ही नहीं करते हो। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, अब देख लो भाई लोग, एक लाइक दबाने में आपका कुछ नहीं जाएगा। और वैसे भी यूट्यूब का न्यू फीचर है, लाइक बटन दबाने पे 100 रुपये मिलने हर बंदे को। तो लाइक दबा के देखना, आपको भी शायद मिल जाए। तो ये स्कीम थी, बाकी बिना किसी बकचोदी के चलते अपनी वीडियो की तरफ। लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी दबा देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, ये तो अपना आइस मिनियन आपको पता है। और मुझे ये ना आप कमेंट करके बताना, वीडियो बनाऊँ मैं, मतलब हाउ टू क्राफ्ट ऑल मिनियन, मतलब अनलॉक ऑल मिनियन या क्राफ्ट जो भी समझ लो आप, तो उसकी वीडियो बनाऊँ। जैसे नेदर पॉड, नेदर वॉट, एमरल्ड, गोल्ड, डायमंड और भी बहुत से मिनियन के हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पता है इसमें तो मिनियंस रेयर होते हैं बहुत ना, रेड स्टोन, रेड स्टोन, नेदर क्वार्ट्स का भी बहुत रेयर होता है, उसको भी मैं बता दूंगा। बहुत ईजी है, आप हर मिनियन क्राफ्ट कर सकते हैं। बस आप ना मॉब वाले मिनियन को छोड़ के जो होते हैं ना ऑर्स वाले मिनियंस और सैंड टाइप के और फार्मिंग के कुछ मिनियन, तो आप वो ऑलमोस्ट सारे कर सकते हो क्राफ्ट ना। अगर बोलोगे तो तुम्हारा भाई वीडियो ले आएगा, टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई हैगा इधर, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो में ना हम अपना थोड़ा आइलैंड भी सीख करेंगे, और आपको ना मैं एक चीज़ भी बताऊँगा कि आप ना वो जो होता है ना अपना सुपीरियर आर्मर लेजेंड्री, उसको मिथिक में कैसे है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं भी हो सकता है, बहुत से बंदों को पता होगा और बहुत से बंदों को नहीं पता होगा। तो कोई नहीं, जिनको पता है वो भी देखो वीडियो, और भी हम बहुत कुछ करेंगे। बाकी जिनको नहीं पता वो भी देखो पूरी वीडियो, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक के सारे मिनियन सो रहे हैं खाली, क्या कर रहे हो, दोबारा बोल रहा हूँ, देखो याद दिला रहा है तुम्हारा भाई। यार तुम भूल जाते हो, लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, दबा दिया, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो ये मेरा देखो ऑब्सीडियन इतना है, तो ये मेरी ना वो खुल जाएगी एक्स, जो कि आपको पता है हैवी वाली एक्स है। बाकी ये एक्स तो हमने एक बाय भी करी हुई है ना, यही वाली। बाकी ये देख रहे हो, अभी हमारे पास इतने मिनियन नहीं है ना, अब यहाँ पे हम गोल्ड वो भी ला सकते हैं, मतलब आयरन, रेड स्टोन, लैपिस, डायमंड, सारे मिनियन ना हम यहाँ ला सकते हैं, जो जो नहीं है ना नेदर क्वार्ट्स है ये वो। आप बस मुझे बता देना कमेंट करके, क्योंकि आप बोलोगे तो हम लेंगे। बाकी यकीन मानो मैंने अभी तक जितने टारगेट रखे हैं भाई, एक भी घंटा पूरा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो यार, मैं जो टारगेट रखता हूँ उससे 3 गुना कम लाइक आते हैं उस वीडियो पे। अगर टारगेट नहीं रखता फिर तो फिर लाइक आ जाते हैं 20 के करीब, जिस दिन टारगेट रख दो भाई उस दिन तो लाइक ही नहीं आते। तो खैर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैंने ना स्नो सेल कर दी थी हमारी, ऑलमोस्ट 1 लाख की सेल हुई थी, जो कि दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 लाख भी बुरे नहीं होता आपको बताइए। तो उसके बाद ना मैं ऐसे ना इस तरफ आया था, अपना ये जो होता है ना, ये मेरे पास 2 टैलिस्मैन थे ना, इनको मैंने कहा सेट कर लेते ताकि आपको पता डैमेज इससे बढ़ जाता है, तो मैंने इनको बना लिया था अपना वही टैलिस्मैन जो हमने बनाना होता है। बाकी ये तो मैं ऐसे आया हुआ था ना अपने ऑक्शन में ना देखने, तो भाई ये ऑक्शन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फेक पिक्सल का, मैं तो क्या ही बोलूँ। ये ओनर ने किया हुआ यार, यकीन मानो, अगर ओनर किसी को भी पैसे ना देना, सब अपनी मेहनत से करें तो सब औकात में रहें, यकीन मानो। ओनर भाई किसी को भी बिलियनों में पैसे दे देता, किसी को भी कुछ भी, तो ऐसे ना मज़ा ख़राब हो जाता है यार, सच बता रहा हूँ मैं। देखो मज़ा उसी में आता है जो अपनी मेहनत से बंदा पैसे जमा करे ना, या कोई एक ऐसा नहीं होगा जिनने अपनी मेहनत से 1000 रुपये भी जमा किए होंगे। बस मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, सब लोग भाई बस ओनर आया तो उसके पीछे भागेंगे, पैसे मिल जाए पैसे मिल जाए, या फिर उनके पास रैंक है, उन्होंने रैंक बाय कर ली फिर तो ओनर उनके पीछे भागता है कि भाई इसने रैंक ली है तो बस ये अपना ही बंदा है। तो छोड़ो, बाकी ये देख रहा हूँ मेरा हेलमेट है मिथिक, और मेरी लेगिंग्स और ये हैं सब लेजेंडरी, दिख रही है ना आपको, ये देखो मैं ठीक है और ये है लेजेंडरी। तो मैं यही बताऊंगा आपको कैसे ना आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ना अपना मिथिक में, मतलब लेजेंडरी को मिथिक में ना, सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं भी बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा ना, नहीं पता खैर है तुम्हारा भाई यार, है ना बताने के लिए, टेंशन क्यों लेते हो। तो यहाँ से ना सारी पोटैटो बुक ले लेते हम जल्दी से, क्योंकि हमारे जो आर्मर में आपको पता है पोटैटो बुक पूरी नहीं हुई भी अभी तक, हमारा 20 लेवल नहीं हुआ कि हम ये आर्मर पहन सके, लेकिन हम इसको रेडी करके रखेंगे पूरा, आपको पता है रेडी होगा तो जैसे 20 होगा तो हम फौरन इसको इक्विप करके फुल घूमेंगे यार, समझा करो। तो ये हो गया था, उसके बाद ना यहाँ से मैंने निकाले थे 4 मिलियन,
वो क्यों निकाले थे मैं बता दूँ, मुझे चाहिए थी पोटैटो बुक, तो यहाँ से फुल इन्वेंट्री भर के ले लेते हैं। पोटैटो बुक ये आ गई, ये हम कर लेते बाय इन्वेंट्री। और ये दूसरी वाली बुक क्या है इसका नहीं पता, जिसको भी पता हो मुझे अब लाजमी बताना, हम देखेंगे इस बुक का भी क्या यूज़ है। तो अब जल्दी से ना मैं सब में लगा लेता हूँ, इसको मैं कट मार देता हूँ। तो यहाँ सब में हो गया था, उसके बाद नहीं एन्जॉयमेंट थी जो कि ये भी करनी ज़रूरी है, आपको पता है दो ही तो होती है प्रोडक्शन और हेल्थ वाली ना, तो बस ये सारे मैं कर देते कंप्लीट। तो ये हो गया था, इसके बाद मैंने नहीं ये क्यूब किया था अपना ना होली ड्रैगन का आर्मर आपको बताया, तो इसको मैं लेके जा रहा था मतलब चेक करने ना डैमेज के लिए मैं आया था यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मेरा 2170 कुछ डैमेज आ रहा है, आपने देख ही लिया होगा इतना ही डैमेज आ रहा है, अभी दोबारा देख लेते हैं। हाँ 2173 इतना ही आ रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है। उसके बाद ना मैंने यहाँ से आके ना लीव ली, आपको पता है जो मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि टैलिशमैन बना के अपना डैमेज आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बताया था नहीं बताया था मुझे खुद नहीं याद, अगर बताया तो सही है, नहीं बताया था तो अभी देख लो। आपको ये चाहिए और इंचाइंटेड ऑक लो, वो बीच में रख के साइडों में रखोगे पूरा तो बन जाते टैलिशमैन। तो अब देखो मेरा डैमेज हो चुका है अपना 2016 का ना, जो कि दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आई थिंक मैंने पैड इक्यूब किया हुआ नहीं, क्या हुआ मुझे नहीं पता, हाँ किया हुआ मैंने पैड इक्यूब। तो मैंने इधर आए थे गोल्डन वाले ना ज़ॉम्बी को मारने, तो भाई यहाँ पे तो इतने ज़ॉम्बी है, उन्होंने मेरे को दिक्कत दे दी थी, लेकिन देखो कोई भी मार नहीं पा रहा था मुझे, मैं उनको इजीली मार रहा था, मेरी हेल्थ कुछ आ ही नहीं रही थी भाई, मजाक है इनके को तो मारना ना, यकीन मानो। हाँ तो भाई लोग मैंने वॉइस ओवर खुद रोके थे, वरना ग्लिच हो जाता है, गेम दोबारा करनी पड़ती है। तो इसके बाद ना यहाँ सब ले लेते हैं 20 मिलियन, 20 मिलियन ही लेंगे ना, हाँ 20 मिलियन है, कितने लिए मेरे को दिख नहीं रहा, हाँ 30 मिलियन लिए, सॉरी मैं 20 मिलियन बोल रहा था, तो हाँ 30 मिलियन हमने ले लिए यहाँ से। देखो इसमें पैसे लगेंगे आपके, आपको ये लेना है, ये देख रहे हो रिकम्बैक्ट और ऐसे कुछ नाम है यार, इसका नाम मैं सही से नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं हूँ अंधा, मुझे नहीं पता, आप देख लेना खुद है, नाम आप समझ जाओगे। बस आपने ये बाय करना है, जितनी चीज़ों में लगाना है उतने ना, आपकी शॉर्ट में भी लग जाएगा या आपकी एक्स में भी लग जाएगा, जिस जिसमें लगाना है ना। तो ये हम 4 बाय कर लेते क्योंकि हेलमेट में हमारा लगा हुआ है, हमें अपने इसमें लगाना है और अपनी जो गोल्डन एक्स है एक हमने उसमें लगाना है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जल्दी से चलते हैं। तो ये देखो ये है इसका नाम है, यार मैं इसका नाम नहीं देख पा रहा, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना नाम ना क्या है इसका। तो बस मैंने आपको दिखा दिया 5 मिलियन कुछ का ना एक आता है, तो आप ये लोगे, देखो ये आपने इधर रखा और ये देखो ये आपको मिथिक बन गया, अब ये देखो लेजेंडरी और ये मिथिक, आप इजीली इसको कर सकते हो, आपके पैसे लगेंगे इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फ्री में, और टाइटल में भी मैं ये नहीं लिखने वाला कि भाई ये तो फ्री में आ जाओ कर लो ना, पैसे लगेंगे लेकिन मिथिक हो जाएगा। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग पहने होते हैं भाई, और इससे आप पैसे भी कमा सकते हो, हाँ ये मैं कह सकता हूँ। देखो आप ये करोगे आपका आर्मर बन जाएगा 4-5 मिलियन का, और आप ये लगा लोगे 20 मिलियन कुछ केस में, और आप एक एक चीज़ आराम से 25-30 मिलियन की सेल कर सकते हो, मैंने खुद देखा है सेल होते हुए, आराम से आपकी सेल होंगी। यहाँ पे ना मैंने अपनी एक्स भी कर ली थी, और यकीन मानो ये जो एक्स है ना ये भी आराम से 30 मिलियन की सेल हो सकती है, अब लेजेंडरी होने के बाद ना थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, आप भी ट्राई कर लेना 100% वर्क करेगा ये। तो बाकी फिर ना मैं ऐसे ही देखना आया था, इसमें कुछ एबिलिटी पड़ी तो भाई मुझे तो फील हो रहा था कि ये और ख़तरनाक हो गई है, बाकी आई डोंट नो हुई है कि नहीं, ये पहले भी ऐसी थी क्या नहीं, तो कोई नहीं, बस थोड़ी बहुत वो तोड़ के निकलते, थोड़ी बहुत देखो यूँ ही एक तो थोड़ी बस स्टैगो में आ गई, तो हम निकल लेते हैं वापसी अपना। तो अब मैं आ गया था अपने आइलैंड पे, अब आइलैंड पे क्यों आया था, आप बोलोगे भाई नशे करके आया आइलैंड पे वापसी क्यों आया फलाना ढिमकाना, तो भाई अब देखो यार अपना पोर्टल की साइड भी तो सेट करनी है ना, अब ये तो है ही नहीं कि इसमें उजड़े चमन में ही रहेंगे ज़िंदगी भर, तो इसको भी थोड़ा सेट मारते ही। तो ये देखो अभी तो ये फाइनल लुक नहीं है, अभी मैं ऐसे ही बस अपने पास से डिज़ाइन बना रहा था कि क्या लुक देना चाहिए हमें ना, तो भी देख लेते हैं हम, दो इसको पूरा क्लीन करके ना जल्दी से। तो इधर भी हम लगा देंगे अपने ना कॉर्ड्स ब्लॉक ना, मुझे कॉर्ड्स ब्लॉक ही अच्छे लग रहे थे, हाँ महंगे आते लेकिन अच्छे लग रहे थे ना। तो अब मैंने यहाँ देख रहा था, पहले मैंने 2 गिलास तोड़े, सही है, अब मैंने ना इधर लगा दिए गिलास, सॉरी गिलास नहीं, नेदर कॉर्ड्स ब्लॉक तोड़े और यहाँ गिलास लगाए, तो फिर मैंने कहा नहीं यार ये ऐसे मज़ा नहीं देखा ना, तो इसके लिए ना हमने करना पड़ेगा एक इधर का, तो इधर लगाते हैं और उधर लगाते थे हम नेदर का वो मतलब कॉर्ड्स ब्लॉक, और यहाँ पे ऐसे ना, तो ये थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी फाइनल नहीं है, हम फाइनल इससे अच्छा ही बनाएंगे जहाँ तक मुझे पता है, बाकी वो आप बताना अच्छा बना नहीं। तो ये हो गया था सही है, जो कि थोड़ा बहुत बेहतर था पहले के मुकाबले। अब इसमें दिक्कत ये थी, अब देख रहे हो पोर्टल और इसमें ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता था जो कि मुझे नहीं पसंद, आपको पता है सीधा सीधा होना तो अच्छा लगता है ना यार,
एकदम सीध में दिख रहा हूँ ना अपने, जाओ तो कोई नहीं, दिक्कत वाली बात, यहाँ से आके हम निकाल लेते अपने पैसे, मतलब ज़्यादा नहीं है, हमने निकालना यहाँ से 100 के ना, क्योंकि हमें लेना है थोड़ा ना सामान मतलब बिल्डर से ना, तो अब मैं जल्दी से बिल्डर के पास पहुँच जाता हूँ, हम ले लेते हैं सामान। तो ये मैं सामान लेके आ गया था अपने आइलैंड पे, ऑलमोस्ट पूरे ही पैसों का ले लिया था सामान। तो अब देखो ये मैंने देखा ना, अब सीध ना इसकी यहाँ से आ रही थी, तो अब इधर से ही हम तोड़ना शुरू करते हैं, मतलब सही से बनाते हैं ना इसको, जब लुक दे। अब मैं दिखाता हूँ ना इसकी फाइनल लुक, अब बनेगी मतलब ओरिजिनल वाली लुक ना, तब से तो ऐसी बननी थी। अब ये बीच का भी तोड़ लेते हैं हम जल्दी से, ये साइड वाले नहीं तोड़ने थे हमने, मुझे नहीं पता मैं क्यों तोड़ रहा था, फिर मैं इसको वापसी लगा देता हूँ। ये लगा दिए, मुझे पास गिलास भी ख़त्म हो गया, वो भी अब लेके आने पड़ेंगे मुझे, कोई नहीं मैं लेके आ जाऊँगा इसको, मैं कंप्लीट मारता हूँ थोड़ा बहुत ना, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही मार लेंगे। तो ये अपना मतलब वो तो ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब पूरा नहीं थोड़ा बहुत रह गया था, अभी मैं दिखा दूंगा। तो मैं ना इधर आया था ना शीशे वीशे लेके दोबारा ना, तो ये जेरी गने में दिखाता हूँ भाई, देखो उसमें हवाओं की गहराई में, देख रहे हो मतलब दुनिया के आखिरी कोने में जा सकते हो उड़ते उड़ते, चेक कर रहे हो, डैमेज तो होगा नहीं अपने को, आपको पता है आर्मर ही गॉड है अपना। तो यस ये देखो ऑलमोस्ट हो गया था पूरा। अब मैं ना यहाँ देखना चाह रहा था कि बीच में वाइट वाले अच्छे लगेंगे, ये ब्लैक अच्छे लगेंगे रेड वाले ना, तो थोड़ा फिलाई कर लेते अपने बूस्टर को की पावर। तो मुझे तो वाइट वाला पत्नी क्यों अच्छा लग रहा था, तो हम इसको तोड़ देते हैं, तो वाइट ही पूरा लगा देते हैं। तो वाइट पूरा कर दिया था मैंने, अब जल्दी से ना ये पूरा हम क्लीन करते हैं इसको, यहाँ पे भी हमने अब चेंज करना भी है, तो है नहीं कि इसको जड़ावा रखें, हम सेट तो करना पड़ेगा ना यार, हर चीज़ ही सेट करनी पड़ती है। तो ये हो गया था, अब मैंने यहाँ देख रहा था कि कौन सा लगाऊँ यहाँ पे, यहाँ ब्लू लगाऊँ, मतलब ब्लू नहीं सॉरी वाइट, या कोबल स्टोन ब्रिक्स, या फिर ब्रिक्स ना सिर्फ। तो मुझे वाइट ही अच्छा लगा, मुझे नहीं पता क्यों लगा, तो कर लिया था ये पूरा मैंने डन, देख रहे हो ना। तो इसके बाद अब नई वॉल्स लगानी थी मैंने, जो कि अच्छी लगेंगी मुझे जहाँ तक पता है, बाकी ये तो आप बताओगे कमेंट में आपको कैसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही थी। अब ये हो गई, जिसके बाद ना अब हमने इसे लगाना है इसके ऊपर ये सी लैंटर्न, जो कि अच्छे लग रहे थे ना, ये सारे मैंने कर दिए थे। तो अब देखो ये हुआ हुआ टेढ़ा ना, तो इसको मैं सीध में कर लूँगा ऑफलाइन, इसकी टेंशन नहीं लेना आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको सीधा मिलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देख लिया, बाकी लाइक दबा दो जल्दी से, देखो इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में यही था, वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके लाजमी बताना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका भाई आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहेगा। और मुझे बताओ गिव अवे करें फेक पिक्सल में, इस वाली एक्स का करें जो गोल्डन वाली होती है ना, ये वाली एक्स का करें, या फिर 2-3 मिलियन या 10 मिलियन का करें, या सुपीरियर आर्मर का करें, या फिर एस्पेक्ट ऑफ दी एंड शॉट का करें, जिसका भी गिव अवे होगा आप बताना। लेकिन गिव अवे की शर्त यही है भाई इस बार, तो 100%, अगर इस वीडियो पे 60 लाख आए, 60 लाख बोलना सॉरी सॉरी, मतलब 50 से 60 लाइक आ जाते हैं 3 दिन, ओनली 3 डेज अगर नहीं आए तो भाई कोई गिव अवे नहीं होने वाला। मुझे नहीं बोलना कि भाई गिव अवे नहीं किया तूने ये वो, बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप 3 दिन में करते हो उस पर 50 से 60 लाइक, तो ठीक है हम गिव अवे स्टार्ट मारते हैं इसका, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा बच जाएगा मेरा, नहीं भी हो गए तो लाइक वीडियो तो आती रहेगी। तो यही था, जल्दी से लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टाटा बाय बाय।